एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आइए, आज हम लेकर के आए हैं क्लास एट का साइंस को, विज्ञान को लेकर के आए हैं, जिसमें आज का चैप्टर है वन। और इस चैप्टर का टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो क्लास एनसीईआरटी बुक विज्ञान को लेकर के आए हैं क्लास एट को, और उसमें आज हमारा चैप्टर है वन, टॉपिक है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। तो आइए, इस टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को सबसे पहले देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर से जानेंगे कि फसल क्या है। तो फसल उसको कहते हैं जो एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं, तो उसे हम फसल कहते हैं। मिट्टी तैयार करना, बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, सिंचाई, खरपतवार से सुरक्षा, कटाई तथा भंडारण, ये सभी किसानों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पद्धतियां हैं। तो कृषि करने से पहले, फसल उगाने से पहले या फसल का बीज खेत में डालने से पहले बहुत सारा पद्धतियां किसान द्वारा अपनाई जाती है, जिसमें है मिट्टी तैयार करना, बुआई करना, बीज की बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, उसमें सिंचाई करना, और खर पतवार से जब फसल उग जाता है तो उसमें खर पतवार भी उगाते हैं, तो खर पतवार से सुरक्षा करना, कटाई तथा भंडारण करना, फसल उगने के बाद उसको कटाई करना, उसको भंडारण करना, ये सभी किसानों द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली कृषि पद्धतियां हैं। तो ये फसल उगाने से पहले कई तरह के, तब वह फसल उग करके तैयार, तब फसल आकर के तैयार होता है। तो इस तरह से फसल लगाने से कई पत्तियां का पहले उपयोग में लाया जाता है, कई एक तरह से पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसमें बीज बोया जाता है, खाद और उर्वरक दिया जाता है, सिंचाई किया जाता है, खरपतवार से सुरक्षा किया जाता है फसल को, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है जिससे कीटाणुओं को नाश किया जा सके, ताकि फसल को नष्ट ना कर सके, फिर कटाई और भंडारण किया जाता है। तो इस तरह से कई प्रकार की पत्तियों को अपनाया जाता है किसानों द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। तो मिट्टी को जिस विधि द्वारा उल्टा पलटा जाता है, ढेला को, जो मिट्टी का बड़े बड़े चट्टान होते हैं, ढेले होते हैं, उसको फोड़ने के लिए, छोटा छोटा करने के लिए जो विधि अपनाई जाती है उसी को जुताई कहते हैं। तो पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है, मिट्टी को उलटने पलटने या पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। तो फसल बोने से पहले मिट्टी को अच्छी तरह से जुताई करना पड़ता है और जुताई किया जाता है। तो जुताई किसे कहते हैं, मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना, यही प्रक्रिया है जुताई। नेक्स्ट पॉइंट है, वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद एवं उर्वरक कहते हैं। मिट्टी का पोषक स्तर बनाए रखने के लिए, जिससे फसल अच्छा उग सके, अच्छी फसल उग सके, जिसके चलते मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखना जरूरी होता है। तो मिट्टी को पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए उसमें खाद एवं उर्वरक की आवश्यकता होती है, ताकि मिट्टी में पोषक स्तर बना रहे। नेक्स्ट पॉइंट है, जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। जैविक खाद बनाने के लिए जो अपशिष्ट का अपघटन होता है वह सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, खेतों में लगातार फसल उगाने से खेतों में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। एक ही खेत में अगर लगातार फसल उगाया जाता है तो उसमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो जब पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसके बाद जब उसमें फसल उगाया जाता है तो फसल भी सही ढंग से नहीं उग पाता है, फसल का उपज कम हो जाता है। तो इसके चलते उसमें उर्वरक डाला जाता है, ताकि मिट्टी में पोषक तत्व बना रहे।
नेक्स्ट पॉइंट है यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास आदि उर्वरक है, यानी पोषक तत्व है, उर्वरक है। उर्वरक का काम करता है मिट्टी के पोषक स्तर को बनाए रखने का यह काम करता है उर्वरक। तो यूरिया, अमोनिया, सल्फेट, पोटास या उर्वरक हो गया। उर्वरक फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। उर्वरक को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, फैक्ट्रियों में, और यह खाद जैविक प्रक्रिया द्वारा बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुआ एवं सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं। केचुआ मिट्टी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है, और जो सूक्ष्म जीव होते हैं वह भी मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं। तो केचुआ और सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलट देते हैं और पलट करके पोला करते हैं, पलट करके तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। इसलिए केचुआ जो है मिट्टी के उर्वरता के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। जिस मिट्टी में केचुआ अधिक मात्रा में पाया जाता है वह मिट्टी बहुत ही उर्वरक हो जाता है और वहाँ उपज बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कल्टीवेटर के उपयोग में से श्रम और समय की बचत होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कल्टीवेटर क्या है। तो कल्टीवेटर एक कृषि उपकरण है जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है और खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में इसका उपयोग किया जाता है और इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। तो कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। कल्टीवेटर का जब उपयोग किया जाता है तो इसमें श्रम का भी बचत होता है और समय का भी बचत होता है। यह एक मशीन है, उपकरण है जिसके द्वारा मिट्टी को आसानी से जुताई किया जाता है और उसमें जो मिट्टी के ढेला होता है उसको तोड़ने में आसानी होती है उससे, कल्टीवेटर से, और खेत को जुताई आसानी से हो जाती है जिसके चलते श्रम और समय की दोनों की बचत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फसलों को अदल बदल कर बोना फसल चक्रण कहलाता है। एक खेत में ये फसल को अदल बदल करके एक फसल के बाद दूसरा फसल जब बोया जाता है तो उसी को फसल चक्रण कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं। राइजोबियम जीवाणु जो है वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थितिकरण करते हैं। तो राइजोबियम जीवाणु है क्या? तो राइजोबियम दलहनी फसलों का जो दलहन फसल होता है, तो राइजोबियम दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में पाए जाते हैं। राइजोबियम जीवाणु दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथि में पाए जाते हैं और ये पाए जाने वाले जीवाणु है दलहनी फसल के जड़ में, जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगीकृत करके, जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से जो नाइट्रोजन होता है उससे यौगीकृत करके पौधों को मुहैया कराते हैं, पौधों को देते हैं, और इस कारण इन फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है दलहनी फसलों को। तो दलहनी फसलों में ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत इसी कारण से नहीं पड़ता है क्योंकि जो वायुमंडल में स्वतंत्र रूप से नाइट्रोजन जो पाया जाता है उसको यौगीकृत करके राइजोबियम जीवाणु जो है उसको वह पौधों को दे देता है जिसके चलते ये दलहनी फसल को अधिक नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो राइजोबियम जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। मोट चेन पंप, ढेकली और रहट ये सभी सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। तो ये मोट और चेन पंप, ढेकली और रहट ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। रहट कुआं से रहट द्वारा पानी निकाला जाता है, खेत के समीप रहट रहता है और इस तरह से बनाया जाने वाला ये उपकरण है जिसे कुएं से पानी निकाल कर उसको सिंचाई किया जाता है। ढेकली भी इसी तरह का है जो सिंचाई का परंपरागत सिंचाई का एक तरीका है जो किसानों द्वारा अपनाया जाता है। इसको जो कुआं से किसान अपने खेत के पास ही कुआं को खोद लेते हैं या फिर कुआं जो रहता है उसी से पानी निकालते हैं, और यह पानी निकालने का सबसे सुलभ तरीका है जो लीवर के सिद्धांत पर, या ढेकली जो है लीवर के सिद्धांत पर काम करने वाली एक संरचना है, और इसमें वाई के आकार के पतले वृक्ष के तनों को सीधा जमीन में कुआं के पास ही गाड़ दिया जाता है और उसमें एक लंबा बांस या लकड़ी, कुछ भी बांस ले लो या लकड़ी, को संतुलित किया जाता है, और इस बांस तथा लकड़ी के एक सिरे पर रस्सी से बांधकर एक कुंड को, यानी जो कुआं से बर्तन निकालने वाला, जो पानी निकालने वाला बर्तन होता है तो उसको बांधकर लटका दिया जाता है, और लटका करके कुएं के अंदर ले जाया जाता है और पानी को ऊपर खींच लिया जाता है। तो इस तरह से इसको ढेकली और रहट से सिंचाई किया जाता है, ये पारंपरिक तरीका है। मोट चेन पंप भी इसी तरह का या तरीका है पारंपरिक सिंचाई का।
खाद में ह्यूमस की मात्रा होने के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। खाद में जब ह्यूमस की मात्रा होता है तो इसी के कारण इसमें मिट्टी में जल धारण की क्षमता में भी वृद्धि होता है, ताकि और इसके चलते मिट्टी आसानी से जल मिट्टी का जल धारण करने का क्षमता बढ़ जाती है मिट्टी में। नेक्स्ट पॉइंट है कुएं, जलकूप, तालाब, झील, नदियाँ, बांध और नहर आदि सिंचाई के मुख्य स्रोत है। सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन कौन है? तो कुआँ हो गया, जलकूप हो गया, तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर, ये सिंचाई का मुख्य स्रोत है। छिड़काव तंत्र क्या है? तो इस विधि का उपयोग, छिड़काव तंत्र का उपयोग समतल भूमि के लिए, असमतल भूमि जहाँ पर भूमि समतल ना हो तो उस तरह के भूमि के सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है तो वहाँ पर ही छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं तो ये पौधे मिट्टी में से पोषक तत्वों को सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तो इसीलिए एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाने के लिए जब मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसको कमी को पूर्ति करने के लिए उसमें उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है, उर्वरक डाला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फसलों और पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं, इन पौधों को हम खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ साथ जो अनचाहे पौधे उगते हैं उसी को खरपतवार कहा जाता है और इस खरपतवार को किसानों द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ताकि फसल का नुकसान ना हो, तो इसी को खरपतवार कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फसल या फसल उत्पादों को हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। पीड़कनाशी क्या है? तो पीड़कनाशी जो जीवों को मारता है, जो वैसा जीव जो फसल उत्पादों को हानि पहुंचाता है, तो उस तरह के जीवों को मारने वाली दवा को, रासायनिक दवाओं को पीड़कनाशी कहते हैं। एक वह मशीन जो हार्वेस्टर तथा थ्रेशर दोनों का काम करता है तो कंबाइन मशीन कहलाता है। हार्वेस्टर यानी काटने का, और उसको जो कटा हुआ फसल है उसको थ्रेशिंग करने का, दोनों काम एक साथ करता है तो उसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। यानी एक मशीन दो काम को करता है इसलिए उसको कंबाइन मशीन कहता है। थ्रेशिंग और हार्वेस्टरिंग दोनों काम करता है तो उसको कंबाइन मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट है पीड़कनाशियों को उपयोग से पौधों को हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं परंतु पौधों को कोई हानि नहीं पहुंचाती। पीड़कनाशी इस प्रकार का रसायन होता है जिसको उपयोग से पौधों को सिर्फ जो पौधों को हानि पहुंचाते हैं वो जीव नष्ट होते हैं और बाकी जो पौधे होते हैं उसको कोई हानि नहीं पहुंचती है। पीड़कनाशी जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, लेकिन पीड़कनाशी जो है जब जल स्रोत में मिल जाते हैं तो यह जल प्रदूषण का कारण बनते हैं, इससे जल प्रदूषण भी होता है। तो अब हम इस चैप्टर से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको देखते हैं। तो फसल किसे कहते हैं? तो फसल जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे ले लीजिए गेहूं की फसल, बहुत बड़े पैमाने पर एक ही जगह पर इसको भी उगाया जाता है, तो गेहूं की फसल का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं, तो इसीलिए इसको हम फसल कहेंगे। तो दूसरा प्रश्न है किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पत्तियां कौन कौन सी है? तो किसानों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले कृषि पत्तियां निम्न है, जैसे हो गया मिट्टी तैयार करना, दूसरा हो गया बुआई, जब मिट्टी तैयार हो जाता है उसी तरह से वो अच्छी तरह से जोत करके उसको मिट्टी को तैयार कर लिया जाता है तो उसमें बुआई किया जाता है, बीज का बुआई करते हैं, उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना, बीज बुआई के बाद उसमें खाद एवं उर्वरक डाला जाता है, उसके बाद सिंचाई किया जाता है और सिंचाई के बाद खर पतवार से सुरक्षा किया जाता है। जो अनावश्यक पेड़ पौधे उग जाते हैं फसल के अलावा, तो जो अनावश्यक पेड़ पौधे होते हैं उसी को खर पतवार कहते हैं, और खर पतवार से सुरक्षा करना फसल उगाने की विधि में आता है। तो किसान इस पत्ती को भी अपनाते हैं, उसके बाद फिर कटाई करते हैं, उसके बाद भंडारण करते हैं। तो ये किसानों द्वारा उपयोग में लाने जाने वाले कृषि पत्तियां हैं। नेक्स्ट है जुताई किसे कहते हैं? तो मिट्टी को उलटने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। तो वह मशीन द्वारा भी बहुत आसानी से आजकल हो रहा है जिसके चलते श्रम का भी कम लगता है और समय भी कम लगता है, तो इसी को जुताई कहते हैं। मिट्टी को उलटने पलटने वाली प्रक्रिया को जुताई कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद एवं उर्वरक क्या है?
तो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है उन्हें खाद या उर्वरक कहते हैं। खाद या उर्वरक को क्यों मिलाया जाता है? क्योंकि मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है जिसके चलते फसल अच्छी तरह से नहीं उग पाते हैं। तो इस फसल को अच्छी तरह से उगने के लिए पोषक तत्व को आपूर्ति करने के लिए उर्वरक और खाद को डाला जाता है मिट्टी में, और इसी उर्वरक खाद को जो वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने के उर्वरक खाद का काम है मिट्टी में पोषक स्तर का बनाए रखना। तो वह पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर बनाए रखने को मिलाया जाता है उन्हें ही खाद या उर्वरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सील ड्रिल क्या है? तो उसके उपयोग के क्या फायदे हैं? सील ड्रिल का उपयोग का क्या फायदा है और यह क्या है? तो यह एक उपकरण है। सील ड्रिल क्या है? एक उपकरण है, बुआई के लिए ट्रैक्टर में उपयोग किया जाता है सील ड्रिल को। और इसके उपयोग के निम्न फायदे हैं, जैसे हो गया इसके द्वारा बीजों के समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इस विधि के द्वारा, इस उपकरण के द्वारा अगर बीज डाला जाता है खेत में तो इसका जो दूरी होता है और गहराई होता है वो एक समान होता है, बना होता है। समान दूरी पर गहराई बनी रहती है और एक समान दूरी पर यह बोया जाता है। गहराई जितना होनी चाहिए उतना उसके अनुसार से बना रहता। दूसरा है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक दिए जाते हैं, और इसके साथ साथ ही जब बुआई होता है तो साथ साथ मिट्टी भी इसके द्वारा ढक दिया जाता है। तीसरा है इसके उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। तो दोनों की बचत होती है, श्रम का भी बचत होता है इस उपकरण को उपयोग से और श्रम का भी बचत होता है। तो इस प्रकार से सील ड्रिल में बहुत ही उपयोग, यह उपयोगी उपकरण है सील और ड्रिल। तो इसीलिए इसमें श्रम और समय की भी बचत होती है और दूरी और जो बीजों की समान दूरी होनी चाहिए, गहराई होनी चाहिए, वह भी समान बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन किसके द्वारा होता है? तो जैविक खाद बनाने के लिए अपशिष्टों का अपघटन सूक्ष्म जीवों के द्वारा होता है। सूक्ष्म जीव ही जैविक खाद को बनाने में, अपघटन करने में काम आते हैं सूक्ष्म जीव। खेतों में लगातार फसल उगाने की क्या हानियां हैं? तो खेतों में लगातार अगर फसल उगाया जाता है तो उस खेत में पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। लगातार एक ही खेत में अगर लगातार फसल उगाया जाता है तो उसमें पोषक तत्व की कमी आ जाता है, तो यही हानियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन उर्वरकों के नाम लिखिए। तो तीन उर्वरक में है यूरिया हो गया, अमोनिया सल्फेट हो गया, पोटास हो गया। यह तीन उर्वरक का नाम है यूरोनियम सल्फेट, यूरिया और पोटास। नेक्स्ट है खाद उर्वरक में क्या अंतर है? तो खाद और उर्वरक में निम्नलिखित अंतर है। तो पहला है कि यह एक जैविक पदार्थ है। खाद क्या है? जैविक, यह एक जैविक पदार्थ है। खाद एक जैविक पदार्थ है जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। खाद एक जैविक पदार्थ है जबकि उर्वरक एक रासायनिक पदार्थ है। दूसरा है खाद एक अपशिष्टों को खाद जो है अपशिष्टों को मिट्टी में दबाकर बनाया जाता है, लेकिन यह फैक्ट्री में बनाया जाता है। उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है, खाद को अपशिष्टों को मिट्टी में दबा करके बनाया जाता है। खाद जो है अपशिष्ट को मिट्टी में दबा करके बनाया जाता है जबकि उर्वरक फैक्ट्री में बनाया जाता है। तीसरा है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। खाद में सभी प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं जबकि उर्वरक में विशेष प्रकार के पोषक तत्व ही पाए जाते हैं। तो ये है डिफरेंस खाद और उर्वरक में। मिट्टी में नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में रहने वाले केचुआ और सूक्ष्म जीव किसानों के मित्र हैं कैसे? तो सही बात है, केचुआ और सूक्ष्म जीव जो मिट्टी में पाए जाते हैं किसानों के मित्र हैं, क्योंकि केचुआ और सूक्ष्म जीव जिस मिट्टी में पाया जाता है बहुत ही उपजाऊ हो जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को पलट कर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं तथा रासायनिक प्रक्रिया द्वारा मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं, जिसके चलते इसी कारण है कि यह सूक्ष्म जीव और केचुआ किसानों के मित्र होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कल्टीवेटर किसे कहते हैं? तो आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर के द्वारा की जाती है, और कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम और समय की बचत होती है। यह एक कृषि उपकरण है कल्टीवेटर, जिसका उपयोग खेत की जुताई करने में किया जाता है। खेत में मिट्टी के ढेलों को तोड़ने में बहुत ही आसानी तरीके से इससे तोड़ा जाता है, जिसके चलते समय और श्रम की बचत होती है, इसी को कल्टीवेटर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फसल चक्रण क्या है?
तो फसल को अदल बदल कर बोना, यानी एक खेत में फसल को बदल बदल कर को बोना, अदल बदल कर बोना ही फसल चक्रण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जीवाणु का नाम बताइए जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, स्थितिकरण करता है। तो राइजोबियम जीवाणु जो है वह वायुमंडल के नाइट्रोजन का स्थितिकरण करता है। दलहनी फसलों की जड़ ग्रंथियों में पाए जाने वाला यह जीवाणु है राइजोबियम जीवाणु, जो वायुमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन यौगिक करके, वायुमंडल में जो स्वतंत्र नाइट्रोजन होता है उसमें यौगीकृत करके पौधे को मुहैया कराता है, देता है, और इस कारण फसलों को ज़्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी को राइजोबियम जीवाणु कहते हैं। सिंचाई के पारंपरिक तरीके कौन से हैं? तो सिंचाई के पारंपरिक तरीके हम लोगों ने ऊपर में भी देखा था, मोट हो गया, चेन हो गया, ढेकली हो गया, रहट हो गया। तो ये सिंचाई के पारंपरिक तरीके हैं। और आप रेहट का और ढेकली का, अरे सब चेन और पंप का, मोट का जो है, अब सिंचाई का जो पारंपरिक तरीके है अब बहुत ही बदल गया है। अब बिजली द्वारा, मोटर द्वारा सिंचाई किया जाता है। खाद के लाभ लिखिए, खाद के क्या लाभ है? तो खाद के लाभ हो गया, इसमें से मिट्टी की जल धारण की क्षमता में वृद्धि होती है। जब खाद या उर्वरक को डाला जाता है खेत में तो मिट्टी का जो जल धारण की क्षमता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो यह एक लाभ हुआ। दूसरा लाभ हुआ कि इसमें मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है। जब खाद को डाला जाता है मिट्टी में तो मिट्टी भुरभुरी और संरंध्र हो जाती है, जिसके चलते मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। तीसरा है, इसमें मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। तो खाद डालने के कारण जैविक क्रिया करते हैं सूक्ष्म जीवाणु जो होते हैं, तो इसी के चलते मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। चौथा है, जैविक खाद में मिट्टी का गठन सुधर जाता है। तो जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन होता है वह भी सुधर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के मुख्य स्रोतों के नाम बताइए। तो सिंचाई के मुख्य स्रोत हो गया कुएं, हो गया जलकुंभ, हो गया तालाब, झील, नदियां, बांध और नहर, यह सब सिंचाई के मुख्य स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई के आधुनिक तरीके कौन कौन से हैं? तो सिंचाई के आधुनिक तरीके हैं छिड़काव तंत्र, इस विधि का उपयोग असमतल भूमि के लिए, यानी जहाँ पर समतल भूमि नहीं है वहाँ पर छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है। यह विधि है एक छिड़काव तंत्र, तो इस तरह का असमतल भूमि में इसका छिड़काव तंत्र का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर जल कम मात्रा में उपलब्ध होता है। दूसरा है ड्रिप तंत्र, तो इस विधि में जल बूंद बूंद कर गिरता आता है, इसे ड्रिप तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है कैसे? तो जब हम एक ही जमीन पर बार बार पौधे उगाते हैं, एक ही प्रकार के बार बार पौधे या कोई भी पौधे बार बार अगर हम एक ही जमीन पर उगाते रहेंगे तो पौधे मिट्टी से जो पोषक तत्व होते हैं सोख लेते हैं और मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। तो जिसके चलते या धीरे धीरे मिट्टी से पोषक तत्व की कमी हो जाती है। तो यह है कारण मिट्टी में पोषक तत्व की कमी का, कि क्योंकि बार बार अगर हम मिट्टी में फसल उगाते जाएंगे तो फसल जो है पोषक तत्व, मिट्टी के जो पोषक तत्व रहता है मिट्टी में वो उसको सोख लेता है, जिसके चलते मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्वरक किसे कहते हैं? किन्हीं दो उर्वरकों का नाम लिखें। तो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहते हैं। जो फैक्ट्रियों में बनाया जाता है उर्वरक को कहाँ बनाया जाता है? फैक्ट्री में। तो जो मिट्टी में मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने वाले तत्वों को उर्वरक कहा जाता है, जैसे यूरिया एवं फास्फेट हो गया। तो यूरिया और फास्फेट एक उर्वरक है जो मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवार किसे कहते हैं? तो फसलों में पौधों के साथ कुछ अनचाहे पौधे भी उगाते हैं और इन पौधों को ही हम खरपतवार कहते हैं, जिसे किसानों द्वारा इसको बाहर निकाल दिया जाता है ताकि फसल को नुकसान ना पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़क नाशी किसे कहते हैं? तो फसल या फसल उत्पादों की हानि पहुंचाने वाले जीवों को मारने वाली रासायनिक दवाओं को पीड़क नाशी कहते हैं। यानी जो वैसा जीव जो फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और उस तरह के जीव को मारने वाले रसायन को पीड़क नाशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरपतवारों को हम किन विधियों से नष्ट कर सकते हैं? तो खरपतवारों को हम निम्नलिखित विधियों द्वारा नष्ट कर सकते हैं, जैसे निराई के द्वारा या फिर पीड़कनाशी उपयोग के द्वारा। तो इस प्रकार से निराई मतलब खरपतवार जो अनावश्यक पौधे हैं उसको निकाल करके, हाथ से निकाल करके या फिर तो उसको बाहर कर देंगे फसल से, तो उसके द्वारा भी या फिर पीड़कनाशी के उपयोग से भी खरपतवार खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से हम दो विधि द्वारा
जो दो विधि लिख रहा है, लिखने के लिए बोल रहा है, तो दो विधि हो गए, निराई द्वारा, पीड़कनाशी के उपयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी खेत में एक भी फसल को बार बार बोने से क्या हानियाँ हो सकती हैं? तो अगर हम किसी खेत में एक ही फसल को बार बार बोएंगे तो एक ही प्रकार के पोषक तत्व की कमी हो सकती है, क्योंकि उस फसल के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो फसल उस मिट्टी से पोषक तत्व को सोख लेगा। तो उस प्रकार का एक ही प्रकार का जो पोषक तत्व होगा उस तत्व की, उस पोषक तत्व की मिट्टी में कमी हो जाएगी एक ही फसल को अगर बार बार हम एक ही प्रकार के फसल को अगर हम बार बार मिट्टी में बोएंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा जीवाणु है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, या फिर दालों की फसलों की जड़ों में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो दालों की फसलों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति से क्या तात्पर्य है? तो कृषि उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई है और इसे ही हरित क्रांति कहते हैं, यानी फसल को जब तेजी से वृद्धि होता है फसल में तो उसी को हम हरित क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो पीड़कनाशी रसायनों का नाम लिखिए। तो दो पीड़कनाशी रसायन है टू हार्वेस्टर किसे कहते हैं? तो वह मशीन जिसे फसलों की कटाई की जाती है उसे हार्वेस्टर कहते हैं, यानी एक प्रकार का उपकरण है हार्वेस्टर। थ्रेशिंग किसे कहते हैं? तो काटी गई फसलों से बीज जो दानों को भूसे से अलग करने की विधि को थ्रेशिंग कहते हैं। जो फसल काट लिया जाता है और उसको बीज और दाने को भूसे से अलग करने का जो विधि होता है उसी को थ्रेशिंग कहते हैं। कंबाइंड मशीन किसको कहते हैं? तो वह मशीन जो हार्वेस्टर और थ्रेशिंग दोनों करते हैं, यानी काटने का काम और थ्रेशिंग का काम, बीज से भूसे का अलग करने का काम, दोनों काम करता है, तो उसी उस प्रकार के मशीन को कंबाइंड मशीन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, व्याख्या कीजिए। तो खेत में लगातार फसल उगाने से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। कई बार एक ही किस्म के पौधे उगाने से एक विशेष प्रकार के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इस समस्या को फसल चक्रण या खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़कर हल किया जा सकता है। इसको अगर फिर खेत को हम कुछ समय के लिए खाली छोड़ देंगे या फिर उस मिट्टी में उर्वरक पोषक तत्व को डालेंगे तभी यह जो है मिट्टी फसल उगाने के लायक होगा, नहीं तो फिर खेत में लगातार फसल उगाते रहेंगे तो उसमें उर्वरक क्षमता खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीड़कनाशियों के उपयोग से होने वाले लाभ हानि को वर्णन कीजिए। तो पीड़कनाशी से जो लाभ होता है उसको पहले देखते हैं। तो पीड़कनाशियों का उपयोग से जो लाभ होने वाला है वो पहला है, पीड़कनाशियों के उपयोग से पौधों की हानि पहुंचाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं ताकि, और इसके चलते पौधे को हानि नहीं पहुंच पाता है परंतु पौधे की कोई हानि नहीं पहुंचती है, लाभ हो गया। दूसरा लाभ हो गया कि पौधे रोग मुक्त रहते हैं तथा फसल उत्पादन अधिक होता है। इसमें से हानियां हो गया, हानि में एक हो गया, पहला हो गया कि पीड़कनाशियों के उपयोग से कुछ लाभदायक कीटों व सूक्ष्म जीवों का भी नष्ट कर देता है, कुछ लाभदायक कीट जो होता है उसको भी नष्ट कर देता है पीड़कनाशी रसायन। दूसरा हानि है कि जलीय जीवों पौधे में धीरे धीरे इनका सांद्रण होने लगता है क्योंकि रसायन सूक्ष्म जीवों के द्वारा अपघटित न होने के कारण लंबे समय तक मिट्टी तथा जल आदि में बने रहते हैं। फिर खाद श्रृंखला में प्रवेश करके सभी जीवों के साथ साथ मनुष्यों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, तो ये हानियाँ हो गया। तीसरा हानि में हो गया कि जल स्रोतों में मिलकर जल प्रदूषण कारण बनते हैं। चौथा हो गया कि पीड़क नाशक नाशियों के उपयोग से अनुवांशिक रोग भी उत्पन्न होते हैं। तो ये थे हानियाँ, अब ये थे कुल हमारे इस चैप्टर का प्रश्न जो हमने देखा। तो थैंक यू, वीडियो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो सब्सक्राइब ज़रूर करें, थैंक यू।